Hello everyone, this video is a sample recording from our live streaming classes for GATE and UGC NET. If you want to enroll for the live classes for GATE or UGC NET, please call us on the numbers that is given in this video, or you can also visit our website, which is www.digimentor.com. These live streaming classes are complete comprehensive courses, which is having full thorough coverage of all the previous year question papers as well as the course content for the exam preparation. All the best. Please enjoy the video. Yes, तो last class में हमने start किया था operating system के बारे में. Operating system के बारे में तो हमने discussion किया था operating system. What is operating system? Types of operating system. Different modes of operations. What is system call? तो हमने कुछ basics cover किए थे. तो आज हम start करेंगे हमारा next chapter. Next chapter को हम start करेंगे. That is chapter 2. Process of concept of process and second chapter concept of process and CPU scheduling and CPU scheduling. Okay. तो सबसे पहले जानते हैं what is process. What is a process? हाँ जी. What is a process? Process is simply a program in execution. Process is a program under execution. Program under execution. आप कोई भी प्रोग्राम है आपका, even C program, C++ program, Java program, या फिर आप कोई भी आपके टास्क करते हो आपके कंप्यूटर में, that is a process. वो रनिंग स्टेट में है, वो एग्जीक्यूशन स्टेट में है, तो उसको आप बोलेंगे एक प्रोसेस. दैट इज अ प्रोसेस. ओके, तो हम बात कर रहे थे प्रोसेस के बारे में. प्रोसेस इज ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन. चलिए, आप अपने कंप्यूटर में जब कोई भी प्रोग्राम करते हो, कोई भी टास्क करते हो, तो आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है. कई बार आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो उस टाइम पे एक बॉक्स ओपन होता है, शो होता है ऑटोमेटिकली, और उसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं. उसमें एक ऑप्शन क्या होता है नीचे, दैट इज एंड प्रोसेस एंड सेकंड इज कैंसिल. मींस आपने कोई प्रोग्राम, आपने कोई टास्क कंप्लीट किया और वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसके कारण आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ऑप्शन मिलता है इफ यू वांट टू एंड दिस प्रोसेस. वहां पे आपको मिलेगा, लिखा मिलता होगा वर्ड प्रोसेस, मींस समथिंग इन एग्जीक्यूशन, समथिंग इन एग्जीक्यूशन. तो सेम एज इट इज, प्रोसेस इज ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन. And every process needs certain resources to execute. जब भी आप कोई प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है एग्जीक्यूशन के लिए. उसको कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है एग्जीक्यूशन के लिए. जैसे आप कोई भी सी प्रोग्राम रन करते हो, फॉर एग्जाम्पल उसमें कोई दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को आप कहाँ पे स्टोर करते हो, रजिस्टर्स में स्टोर करते हो. तो रजिस्टर चाहिए, उसको मेमोरी चाहिए कुछ एग्जीक्यूशन के लिए, प्लस अगर आप कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, तो वो ऑपरेशन आपके किसकी हेल्प से होंगे, ALU की हेल्प से होते हैं. तो मीन्स आपका कोई भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन फॉर्म में आने के बाद वो प्रोसेस बन जाता है, और उसको एग्जीक्यूशन के लिए कुछ कंप्यूटर के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो एवरी प्रोसेस नीड सम रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट. और प्रोसेस हमारे पास दो टाइप की होती है. फर्स्ट इज यूजर प्रोसेस, वन इज यूजर प्रोसेस. यूजर प्रोसेस जिसमें आपके यूजर्स के काम होते हैं, जिसमें आपका यूजर प्रोसेस जो आपकी यूजर मोड में एग्जीक्यूट होती हैं, प्रोसेसेस जो यूजर मोड में एग्जीक्यूट होती हैं, प्रोसेसेस एग्जीक्यूट्स इन यूजर मोड. प्रोसेसेस एग्जीक्यूट्स इन यूजर मोड. यूजर मोड कल हमने बात की थी यूजर मोड के बारे में और कर्नल मोड के बारे में. हमने डिवाइड किया था यूजर मोड. यूजर मोड की आपकी बिट क्या होती है, यूजर मोड बिट इज वन एंड कर्नल मोड बिट इज जीरो. ओके, और आप जब मोड्स चेंज करते हो तो उसमें आपकी चेंज हो जाती है बिट्स. आपकी क्या चेंज होती है, बिट्स. सेकेंड यहां पे, और आपकी जो यूजर प्रोसेसेस होती हैं उनमें आपका अक्कर होता है प्रिम्प्शन. प्रिम्प्शन हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रिम्प्शन. सेकंड इज
आपकी हमने बात की यूजर प्रोसेसेस, जो यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रही है, और जो सिस्टम के प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम प्रोसेसेस, सिस्टम प्रोसेस। सिस्टम प्रोसेस मीन्स प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड इन द कर्नल मोड, प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड इन कर्नल मोड और प्रिविलेज्ड मोड। और यहां पे आपका जब सिस्टम मोड में आप एग्जीक्यूट करते हो तो ऑटोमेटिकली प्रिम्प्शन आपका हैंडल होता है, प्रिम्प्शन आपका ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है, ऑटोमेटिकली प्रिम्प्शन, ओके, ऑटोमेटिक आपका प्रिम्प्शन होता है। चलिए अब हमने बात की कि एक प्रोसेस होगी, तो एक प्रोसेस जब आप रन करते हो, आपकी कोई भी प्रोसेस होती है तो उसके पास उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, मींस उसकी कुछ क्या होंगी, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मीनिंग होता है कि उसके पास उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट होगा, उसका अपना कुछ कॉन्टेक्स्ट होगा। यू कैन से एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस, एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस, और यू कैन से कॉन्टेक्स्ट्स ऑफ प्रोसेस। फर्स्ट वन इज प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी मींस आपके कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स, इवन आपके बैकग्राउंड में भी साइमल्टेनियसली बहुत प्रोग्राम्स हैं, वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं, ठीक है। तो आपकी जितने भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो सब किस फॉर्म में है, प्रोसेस की फॉर्म में है। और सीपीयू को सबको आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत होती है, एंड दैट आइडेंटिफिकेशन नंबर इज प्रोसेस आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेकेंड इज प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस स्टेट। स्टेट का मीनिंग है कि करंट स्टेटस क्या है आपकी, आपकी कोई भी प्रोसेस जब रन होती है तो उसका मीन्स करंट स्टेटस क्या है, वो किस फॉर्म में है, वो अभी वर्किंग में है या फिर वो अभी नॉन वर्किंग में है, या किसी रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है, या फिर आपके सीपीयू उसको अलोकेट हुआ है या नहीं है, या फिर वो अपने सभी रिसोर्सेज के साथ रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, जस्ट उसे सीपीयू का वेट कर रहा है वो, कि उसे जब सीपीयू मिले और वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे। तो आपकी प्रोसेस मीन्स करंट स्टेटस क्या है, आपकी प्रोसेस करंट में किस स्टेटस में है, ठीक है, करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस, करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। और हमने बात की प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। और हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें क्या होती है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और सभी इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं, और इंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम काउंटर हमें प्रोवाइड करता है कि हमारी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसका एड्रेस क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारी एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एग्जीक्यूशन, उसका एड्रेस क्या है, ओके, कंटेन द एड्रेस ऑफ, कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, टू बी एग्जीक्यूटेड, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, अब जैसे मैंने बात की थी कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कुछ रजिस्टर्स की जरूरत होती है या फिर किसी डिवाइस की जरूरत होती है, तो लिस्ट ऑफ डिवाइसेस, लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ डिवाइसेस, आपको जो भी डिवाइस चाहिए। नेक्स्ट जर्नल पर्पज रजिस्टर्स, जर्नल पर्पज रजिस्टर्स, फॉर एग्जाम्पल योर स्टैक रजिस्टर्स, काउंटर रजिस्टर्स, ओके। सिक्स्थ वन, अनदर वन, आपके पास एक चीज होती है जिसका नाम है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी बताती है कि कौन सी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस इंडिकेट करता है।
प्रायोरिटी का मीनिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस, कि प्रोसेस कितनी इंपॉर्टेंट है या फिर उसकी इंपॉर्टेंस कितनी हाई है किस एग्जीक्यूशन के लिए या इंपॉर्टेंस है वो कम है। तो प्रायोरिटी एक जस्ट नंबर होता है जो आपका सीपीयू एलोकेट करता है सभी प्रोसेसेस को अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट प्रोसेस। ओके, तो ये कुछ इस टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सभी प्रोसेसेस के पास होते हैं। ओके ओके, देवश्री हैव अ क्वेश्चन। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मीन्स आपके जितने भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं एग्जीक्यूशन में है उनका अपना यूनिक नंबर होगा। जैसे सी में आपके फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोग्राम आपके सीपीयू में एग्जीक्यूट होते रहते हैं, तो आपके सीपीयू को जो भी प्रोग्राम जिस टाइम पे उसके लिए चाहिए उसको उसकी प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर के अकॉर्डिंग वो रन करता है। ओके, और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो सभी रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेमोरी है, रजिस्टर है, लाइक एनी प्रिंटर है, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस उसको चाहिए, तो वो सभी चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन का नंबर है कि प्रोसेस की आइडेंटिफिकेशन, कि सीपीयू को कोई प्रॉब्लम ना हो पहचानने में कि मेरे कौन सी प्रोसेस मुझे इस टास्क के लिए इम्पोर्टेंट है या कौन सी प्रोसेस मुझे यूज करनी है इस पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। एवरी हार्डवेयर, देखिए आपने हार्डवेयर के बारे में बात की तो देवश्री हमारे पास हार्डवेयर के लिए एज वेल एज सॉफ्टवेयर के लिए ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, जब आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, और डिवाइस ड्राइवर्स में आपके पास प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई किए जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर इट जस्ट ए नंबर यार, इट इज अलोकेटेड बाय सीपीयू। आइडेंटिफिकेशन नंबर इज जस्ट एन आइडेंटिफिकेशन नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है उसको। इट इज जस्ट ओनली ए सिंपल न्यूमेरिकल नंबर। तो देखिए अब हमने बात की प्रोसेस, अब प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है तो उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। दैट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, इट इज जस्ट अ कंट्रोल इंफॉर्मेशन ब्लॉक, और यू कैन से इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन ब्लॉक। इट इज सिंपली ए इंफॉर्मेशन ब्लॉक टू कंट्रोल द प्रोसेस, टू कंट्रोल द प्रोसेस, कि आपकी प्रोसेस है उसके पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स है उन सभी का एक ब्लॉक। ठीक है, आपकी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन उस ब्लॉक में होगी, उसको इंफॉर्मेशन ब्लॉक सिंपली आप बोल सकते हो। और एक प्रोसेस के लिए है इसलिए इसका नाम रखा जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एक प्रोसेस के लिए है इसलिए इसका नाम रखा जाता है, इट इज ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जिस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मीन्स आपके जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस आर स्टोर्ड इन पीसीबी, इन पीसीबी। सिंपली आप ये भी जान सकते हो कि आपकी जो भी रिलेटेड है इंफॉर्मेशन है प्रोसेस से रिलेटेड, दैट इज कॉन्टेक्स्ट, और ये सभी कहाँ पे स्टोर्ड होती है, पीसीबी में, और जिसके थ्रू हम क्या करते हैं आपकी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी कि हमारे एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स लाइक प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर, जर्नल पर्पस रजिस्टर्स, जर्नल पर्पस रजिस्टर्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस और फाइल्स, लिस्ट ऑफ फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, ओपन डिवाइसेस, और यू कैन से पीआईडी की हमने बात की। पीआईडी में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रोसेस आईडी एंड सेकंड इज पेरेंट आईडी, दैट इज पेरेंट प्रोसेस आईडी, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, लिस्ट ऑफ यहाँ पे आपका प्रोग्राम काउंटर है, जो भी आपकी रिमेनिंग चीज़ है वो सभी कहाँ पे आती हैं, इस ब्लॉक के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, यस, ओपन डिवाइसेस मीन एक्टिव डिवाइसेस।
ओके तो ये आपका कंप्लीट एक ब्लॉक होता है जिसमें प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और इस ब्लॉक के थ्रू आप कंट्रोल करते हो आपकी फुल प्रोसेस को, आपकी प्रोसेस को। सेकेंड थिंग कि आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो क्रिएट कौन करता है, ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज क्रिएटेड, पीसीबी इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय ओएस, क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको क्रिएट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको मेंटेन करता है, और सभी प्रोसेसेस का अपना पीसीबी होता है, एवरी प्रोसेस हैज इट्स ऑन पीसीबी, हैव हैज इट्स ऑन पीसीबी, सभी प्रोसेसेस का अपना खुद का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा, मींस जितनी प्रोसेसेस होंगी उतने ही कंट्रोल ब्लॉक्स होंगे, ओके। नेक्स्ट पीस आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, आप सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ये होता कहां पे है, इट इज रिसाइड इन द मेन मेमोरी, पीसीबी रिसाइड इन द मेन मेमोरी, और यू कैन से योर रैम, और यू कैन से इन योर रैम। नेक्स्ट अब बात की हमने मेमोरी में है रैम में है, इसके बाद कि एक जो प्रोसेस है उसके लिए एक कंट्रोल ब्लॉक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस जो रन करेगी उसको कैसे हम लोड करेंगे, तो आपके जो पीसीबीज होते हैं ये लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ओके, पीसीबीज आर लिंक्ड बाय लिंक लिस्ट, पीसीबीज आर लिंक्ड बाय लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर, ओके, लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर से कैसे, ये आपकी फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोसेस के लिए पीसीबी है, ओके, एंड प्रोसेस के लिए दिस इज पीसीबी फॉर एनी के प्रोसेस, दिस इज पीसीबी फॉर योर फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस, तो ये सभी एक दूसरे से ऐसे लिंक होते हैं, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको सीपीयू मिला, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके यहाँ पे एक लिंक पीसीबी में लास्ट में क्या होता है, एक लिंक होता है, एक आपका लिंक इन्फॉर्मेशन होगी, लिंक इन्फॉर्मेशन मीन्स कि इसकी पेरेंट प्रोसेस कौन थी, जिसमें होगी आपकी पेरेंट प्रोसेस आईडी कि इसके इस पार्टिकुलर प्रोसेस का चाइल्ड ये है या नेक्स्ट ये एग्जीक्यूट होगा, फिर इसके इधर में होगी इसकी चाइल्ड आईडी कि इस पार्टिकुलर प्रोसेस का चाइल्ड आईडी कौन है, या फिर इसके बाद जस्ट कौन है एग्जीक्यूट कौन करेगा, ठीक है। तो आपके पीसीबीज हैं वो मेंटेन होते हैं किसके किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, और ये लिंक्ड होते हैं लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू। सेकेंड थिंग कि अब बात आती है कि हम प्रोसेसेस जो क्रिएट करते हैं, ठीक है, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे प्रोसेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो अब क्वेश्चन आता है कि एक नई प्रोसेस है और एक पुरानी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, क्या उनका पीसीबी सेम होगा या डिफरेंट होगा। यस, आपकी प्रोसेस कोई भी हो उसका पीसीबी हमेशा सेम होगा, चाहे वो न्यू क्रिएटेड प्रोसेस हो या कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुकी हो अपनी कुछ अपनी इंस्ट्रक्शंस को ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुकी है। पीसीबी फॉर ए न्यू प्रोसेस, और यू कैन से फोर्क, फोर्क इज ए सिस्टम कॉल टू क्रिएट ए न्यू प्रोसेस, फोर्क प्रोसेस एंड द नॉर्मल प्रोसेस, एंड द नॉर्मल प्रोसेस इज सेम, नॉर्मल प्रोसेस इज सेम। चलिए यहां पे हमने बात की पीसीबी से रिलेटेड, पीसीबी के थ्रू हम आपकी किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं बिकॉज पीसीबी में आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। सेकेंड थिंग, जब आपकी कोई भी प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होगी, फॉर एग्जाम्पल अभी हम स्टेट डायग्राम पढ़ेंगे, आपकी एक प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे होती है तो उसका पीसीबी है वो अपडेट होता है, पीसीबी में जो आपके कॉन्टेक्स्ट हैं जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज क्या होती है रेगुलरली अपडेट होती रहती है, पीआईडी है वो सेम रहेगा, प्रोसेस स्टेट चेंज होगी, प्रोग्राम काउंटर चेंज होगा, जर्नल पर्पज रजिस्टर्स वैल्यू चेंज होगी, लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, ये कुछ आपके अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, अगर इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट फाइल्स चाहिए तो आपका चेंज हो जाएगा, अगर आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको डिफरेंट डिवाइस चाहिए तो ये चेंज होगा, लिंक्स प्रोसेस आईडी है पेरेंट से लिंक्ड है, नेक्स्ट इसके चाइल्ड की आईडी है, ये लिंक होते रहते हैं, मींस आप जब भी कोई प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपकी प्रोसेस के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट हैं जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, ओके।
इसमें से कुछ चीजें चेंज नहीं होती, दैट इज प्रोसेस आईडी एंड सम मोर एट्रीब्यूट्स। ओके, तो ये था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हमने यहां पे डिस्कस किया दैट इज प्रोसेस स्टेट, हमने बात की किसकी, प्रोसेस स्टेट्स के बारे में। तो हमारे पास है प्रोसेस स्टेट मॉडल, प्रोसेस स्टेट मॉडल। अब हमारे पास जो सीपीयूज होते हैं या हमारे प्रोसेसर्स होते हैं वो यूनी प्रोग्रामिंग भी होते हैं एज वेल एज मल्टी प्रोग्रामिंग भी होते हैं, यूनी प्रोग्रामिंग भी होते हैं एज वेल एज मल्टी प्रोग्रामिंग भी होते हैं। सबसे पहले हमने बात की व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस स्टेट इज डिफाइंस द करंट एक्टिविटी, इट डिफाइंस द करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस, करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। ओके, सेकेंड थिंग, अब प्रोसेस की स्टेट्स क्या क्या होती हैं, स्टेट्स क्या क्या होती हैं। प्रोसेस स्टेट्स में हमारे पास है, प्रोसेस स्टेट्स आर, फर्स्ट प्रोसेस स्टेट इज न्यू स्टेट। न्यू स्टेट्स मीन्स कि आपकी जो प्रोसेस है उसको जस्ट क्रिएट किया गया है। सेकेंड इज रेडी स्टेट। रेडी स्टेट मीन्स कि आपकी प्रोसेस अभी करंट क्रिएट की जा चुकी है, उसको एग्जीक्यूशन के लिए रेडी किया जा चुका है, उसको जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज अलोकेट हो गए हैं, जस्ट उसको सीपीयू की जरूरत है अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। थर्ड स्टेट इज रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट आपका सीपीयू रनिंग स्टेट में क्या होता है, अलोकेट कर दिया जाता है आपकी प्रोसेस को, और प्रोसेस किस में होती है, एग्जीक्यूशन स्टेट में होती है, एग्जीक्यूट कर रही होती है अपनी इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट वन इज ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड और वेट स्टेट। फिफ्थ वन इज एग्जिट स्टेट, और यू कैन से टर्मिनेट। एंड सिक्स्थ वन इज सस्पेंडेड स्टेट, सस्पेंडेड स्टेट। सस्पेंडेड स्टेट हमारे पास दो टाइप की होती है, वन इज सस्पेंडेड रेडी एंड नेक्स्ट वन इज सस्पेंडेड ब्लॉक, सस्पेंडेड ब्लॉक और यू कैन से सस्पेंडेड वेट। जैसा हमने डिस्कस किया कि हमारा सीपीयू किस टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, वन इज यूनी प्रोग्रामिंग एंड सेकेंड वन इज मल्टी प्रोग्रामिंग। अब यूनी प्रोग्रामिंग होगा तो क्या होगा, यूनी प्रोग्रामिंग होगा तो क्या होगा, हाँ जी, यूनी प्रोग्रामिंग होगा तो हमारे पास एक टाइम पे एक ही प्रोसेस कंप्लीट होगी, ठीक है, जब हमारे पास यूनी प्रोग्रामिंग होगा। तो स्टेट मॉडल क्या होगा, सबसे पहले हमारी न्यू स्टेट होगी, न्यू स्टेट में आपकी कोई भी प्रोसेस है वो क्रिएट की जाती है। उसके बाद सेकेंड स्टेट इज रेडी स्टेट, रेडी स्टेट और यू कैन से सिंपली रन स्टेट, यू कैन सिंपली से रन स्टेट। ओके, नेक्स्ट इज एग्जिट स्टेट, आप रेडी लिख लीजिए इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेडी स्टेट, रन स्टेट एंड एग्जिट स्टेट। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज ब्लॉक स्टेट। तो हमारे पास ये स्टेट्स होती हैं, पांच स्टेट होती हैं, सिंपल पांच स्टेट होती हैं। अब जब हम यूनी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, यूनी प्रोग्रामिंग में हमने बात की थी कि हमारे पास एक टाइम पे एक ही प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन में होगी, एज वेल एज उसको सीपीयू टाइम चाहिए या ओनली इनपुट आउटपुट टाइम चाहिए। सबसे पहले आपकी प्रोसेस होती है न्यू स्टेट में, न्यू स्टेट में प्रोसेस होती है वो जस्ट आपकी प्रोसेस अभी क्रिएट की गई है और उसको न्यू क्यू में डाल दिया गया है। उसके बाद यूनी प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो स्टेट होगी वो होगी डायरेक्टली रन स्टेट, डायरेक्टली रन स्टेट, क्योंकि एक टाइम पे एक ही होगी और जस्ट उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपकी प्रोसेस जाएगी रन स्टेट में, अगर रन स्टेट में ये कंप्लीट हो जाती, यहाँ पे है आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम में, प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन, ठीक है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ओनली सीपीयू बाउंड प्रोसेस है, कल हमने बात की थी सीपीयू टाइम एंड इनपुट आउटपुट टाइम के बारे में, अगर आपकी प्रोसेस ओनली सीपीयू टाइम उसको चाहिए, कोई इनपुट आउटपुट वर्क नहीं है, तो वो कंप्लीट करके यहां पे चली जाएगी आपके एग्जिट स्टेट में, कंप्लीशन के बाद एग्जिट स्टेट में। और यदि उसको कुछ इनपुट आउटपुट की जरूरत है,
कंप्लीशन के लिए किस इनपुट आउटपुट की जरूरत है, तो वो इनपुट आउटपुट के लिए जाएगी आपकी ब्लॉक स्टेट में. फॉर इनपुट आउटपुट इवेंट, फॉर इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए ब्लॉक स्टेट में. ब्लॉक स्टेट में मीन्स कि सीपीयू अभी आपकी प्रोसेस को लोकेट नहीं है, प्रोसेस को इनपुट आउटपुट के लिए भेज दिया गया है, तो इस टाइम पे आपका सीपीयू क्या होगा, आइडल हो जाता है. सीपीयू क्या होगा, आइडल हो जाएगा. और इनपुट आउटपुट स्टेट में आने के बाद आपकी ब्लॉक होगी, प्रोसेस है जो वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगी, और जैसे ही उसके इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो वापस आपकी प्रोसेस है वो रन स्टेट में चली जाएगी. इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली किसमें होगी, रन स्टेट में होगी, और रन स्टेट में फिर उसको आप उसका जो सीपीयू टाइम है उस दौरान सीपीयू में इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होगा. एग्जीक्यूशन यदि कंप्लीट हो जाता है तो वो एग्जिट कर जाएगी, और उसको यदि फिर से इनपुट आउटपुट की जरूरत है तो वो मूव करती रहेगी. ओके, ब्लॉक एंड रन स्टेट में. और जब कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाएगा उसके बाद आपकी प्रोसेस मूव कर जाएगी किसमें, एग्जिट स्टेट में. प्रोसेस मूव कर जाएगी किसमें, एग्जिट स्टेट में. ओके, तो ये है यूनी प्रोग्रामिंग के लिए, यूनी प्रोग्रामिंग. अब बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड. यूनी प्रोग्रामिंग में आपके पास क्या होगा, यूनी प्रोग्रामिंग में सबसे पहली चीज कि यहां पे आपकी कोई रेडी स्टेट नहीं होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट इज नो रेडी स्टेट. डायरेक्टली प्रोसेस को क्रिएट किया जाएगा और उसको सीपीयू एलोकेट किया जाएगा. सेकेंड पॉइंट, ओनली वन प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन, मीन्स ओनली वन प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन, ओनली वन प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन. थर्ड पॉइंट, मिनिमम कितनी स्टेट से एक प्रोसेस गुजरेगी, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, ए प्रोसेस कैन गो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स. अगर आप यहां काउंट करते हो तो मिनिमम स्टेट्स कितनी होंगी, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट किया गया, सीपीयू एलोकेट किया गया, प्रोसेस ने एग्जीक्यूट किया, और उसको किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एनी इनपुट आउटपुट फॉर कंप्लीशन, देन कंप्लीट इन द रन स्टेट एंड डायरेक्टली गो टू द एग्जीक्यूशन स्टेट, एग्जिट स्टेट. तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इज 3, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स दैट इक्वल टू 4. 4 न्यू रन, एंड इफ नीड एनी इनपुट आउटपुट देन गो टू ब्लॉक स्टेट. When input output complete, again run state, and when completed execution, then it will go to exit state. It will go to exit state. This is the working model or state models of a process in the uniprogramming environment. In the uniprogramming environment. अब हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड. मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने बात की थी कि हमारे पास एक टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम हैं वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होते रहते हैं. कल हमने मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस डिस्कस किया था कि मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, मल्टीपल जॉब्स हैं, वो एग्जीक्यूट होते हैं. ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास दो टाइप की होती है. मल्टी प्रोग्रामिंग दो टाइप की होती है जनरली. वन इज नॉन प्रिम्प्टिव, नॉन प्रिम्प्टिव, एंड सेकेंड वन इज प्रिम्प्टिव, और यू कैन से प्रिम्प्शन. ओके, मल्टी प्रोग्रामिंग इज ऑफ टू टाइप्स जनरली, प्रिम्प्टिव एंड नॉन प्रिम्प्टिव. ओके, अगर हम बात करें तो आपका सीपीयू की बात की जाती है जनरली. यहां पे बात की जाती है किसकी, सीपीयू से रिलेटेड. तो सीपीयू में अगर आप बात करते हो तो जब नॉन प्रिम्प्टिव इन्वायरमेंट होगा तो ए प्रोसेस रिलीज सीपीयू, प्रोसेस रिलीज सीपीयू व्हेन कम आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीशन जब आपकी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, या फिर आपकी प्रोसेस में कोई इनपुट आउटपुट टक्कर होगा, एनी इनपुट आउटपुट इवेंट टक्कर. और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होती है नॉन प्रिम्प्टिव की, कि इसमें एक टर्म आती है जिसका नाम है स्टारवेशन, जिसका नाम है स्टारवेशन. सेकंड, नो प्रायोरिटी इज नीड हियर, नो प्रायोरिटी इज हियर.
कि आपकी किसी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जस्ट प्रोसेस आई एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपकी सीपीयू में चली जाएगी, अगर ऑलरेडी जो रनिंग प्रोसेस है उसको कोई इनपुट आउटपुट है उसकी जरूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिम्प्टिव के बारे में, प्रिम्प्टिव आपका सीपीयू कब रिलीज करेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज प्रिम्प्शन की बात है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग है, ऑब्वियसली क्या होगी, मल्टी टास्किंग होगा, और यू कैन से इट इज टाइम शेयरिंग होगा, टाइम शेयरिंग होगा। सेकेंड थिंग सीपीयू रिलीज, ए प्रोसेस रिलीज सीपीयू, ए प्रोसेस रिलीज सीपीयू व्हेन 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 द प्रोसेस कंप्लीट कम ऑन कंप्लीशन और एनी इनपुट आउटपुट इवेंट अकर, एनी इनपुट आउटपुट इवेंट अकर, और यू कैन से टाइम आउट, और यू कैन से टाइमर, टाइमर मीन्स टाइम आउट। हमने बात की है टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग में हमने कल डिस्कस किया था कि आपकी प्रत्येक प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम प्रोवाइड किया जाएगा, प्रत्येक प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम प्रोवाइड किया जाएगा कि इतने टाइम के लिए सभी प्रोसेस हैं वो सीपीयू से एटलीस्ट वंस हैं क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, टाइम आउट अक्कर, और यू कैन से प्रायोरिटी। अभी हमने डिस्कस किया था पीसीबी में एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस में, लास्ट वर्ड इज प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मीन्स इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस। यदि एक हाई प्रायोरिटी जॉब है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है, तो उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे एज कंपेयर टू ए लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस, लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस। और सबसे मेन चीज यहां पे कुछ लोगों को डाउट होता रहता है कि ये प्रायोरिटी है, प्रिम्प्शन है, ये किसके बीच होगा। प्रिम्प्शन इज ओनली फॉर द प्रोसेसेस, नॉट फॉर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दैट प्रिम्प्शन इज ओनली फॉर सीपीयू, नॉट फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। प्रिम्प्शन इज ओनली फॉर सीपीयू, नॉट फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नॉट फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए हम प्रिम्प्शन नहीं करते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स। अब यहीं पे नॉन प्रिम्प्टिव और प्रिम्प्टिव की हमने बात की, ठीक है। नॉन प्रिम्प्टिव मीन्स नो प्रिम्प्शन, एक जॉब कंप्लीट होगी, अगर उसको इनपुट आउटपुट चाहिए तो सेकेंड जॉब। और सेकेंड पॉइंट इज नो प्रायोरिटी इज हियर, नो प्रायोरिटी इज हियर। तो इसका स्टेट मॉडल, इसका डायग्राम किस टाइप का होगा, चेक करते हैं नॉन प्रिम्प्टिव का स्टेट डायग्राम, नॉन प्रिम्प्टिव स्टेट डायग्राम। हमने बात की हमारी कितनी स्टेट्स होंगी, फर्स्ट वन इज न्यू स्टेट, सेकेंड इज रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट एंड एग्जिट स्टेट, एंड वी हैव वन ब्लॉक स्टेट, ब्लॉक स्टेट। सबसे पहले क्या होगी, प्रोसेस क्रिएट होगी, प्रोसेस क्रिएट होने के बाद जब वो रेडी हो जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए तो कहाँ पे जाएगी, रेडी क्यू में जाएगी। सेकेंड थिंग फिर रेडी क्यू में है तो वहाँ से उसको किस में किया जाएगा, रनिंग स्टेट में किया जाएगा। और जब रनिंग स्टेट में करते हैं तो यहाँ पे वर्ड आता है आपका शेड्यूलिंग, हियर द वर्ड कम शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग वर्ड आपका आता है जब आपकी प्रोसेस है वो रेडी क्यू में है, ठीक है। सबसे पहले क्रिएट किया जाएगा उसको, क्रिएट करने के बाद उसको रखा जाएगा आपके न्यू क्यू में, रेडी जॉब क्यू में सबसे रखा जाता है जब प्रोसेस है वो क्रिएट हो जाती है, उसके बाद प्रोसेस को रेडी क्यू में डाला जाता है, प्रोसेस को रेडी क्यू में डाला जाता है। रेडी क्यू में मीन्स कि प्रोसेस अभी अपने नीडेड रिसोर्सेज के साथ रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए। फिर होती है आपकी शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का मीनिंग है कि कौन सी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफर की जाएगी रनिंग स्टेट में, मीन्स रेडी क्यू में जो प्रोसेसेस रेडी हैं उनमें से किस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू अलोकेट किया जाएगा, ठीक है, सीपीयू अलोकेट किया जाएगा। यहां पे आपके पास दो टर्म्स आती हैं, वन इज डिस्पैचर एंड सेकेंड इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और यू कैन से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, आपका डिस्पैचर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी प्रोसेस को सिलेक्ट करने के लिए रेडी क्यू में से, और उस प्रोसेस सिलेक्टेड प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट करता है एग्जीक्यूशन के लिए। देन योर प्रोसेस इन द रन स्टेट, अगर आपकी प्रोसेस रन स्टेट में कंप्लीट हो जाती है, उसका एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीशन हो जाता है, देन प्रोसेस गो टू द एग्जिट स्टेट। और इफ प्रोसेस नीडेड एनी इनपुट आउटपुट
any input output device or any input output event to complete its execution. Then from run state it is transferred to the block state or wait state. Input output event occur. Next, जब आपका input output complete हो जाता है तो then जब input output complete हो जाता है then process not directly go to the run state. Run state में process directly नहीं जाएगी. क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जब आपकी for example हम एक example लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास ready queue में हमारे पास दो processes हैं. Ready queue में हमारे पास है process P1 and process P2. Process P1 and process P2 दो processes हैं. चलिए तीन ले लेते हैं. Process P3, P1 है उसको CPU as well as input output चाहिए, P2 है उसको only CPU चाहिए and P3 है उसको only CPU plus input output both things. Complete करने के लिए इनको चाहिए. सबसे पहले P1 ready है, ठीक है. आपका scheduler dispatcher है वो P1 को select करता है और P1 को CPU allocate कर देता है. P1 को CPU allocate कर देता है. CPU allocate होने के बाद process चली जाती है running state में. प्रोसेस P1 अपना CPU टाइम कंप्लीट करती है और उसको अब किसकी जरूरत है? इनपुट आउटपुट की जरूरत है. इनपुट आउटपुट की जरूरत है तो आपकी प्रोसेस P1 को ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्लॉक स्टेट में और इसकी जगह पे अब P1 है, रेडी क्यू में थी, रन में आई. अब यहाँ पे चेक करेंगे तो CPU P1 के ट्रांसफर होने के बाद ब्लॉक स्टेट में आइडल हो गया. तो प्रोसेस CPU को हमें सबसे ज़्यादा क्या रखना है? बिजी रखना है, CPU यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना है. तो उसके लिए यहाँ पे अब आपकी P2 जो स्टेट है, P2 जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में चली जाएगी. उसको रनिंग स्टेट में मीन्स उस प्रोसेस P2 को हम अलोकेट कर देंगे CPU एग्जीक्यूशन के लिए. अब आपके पास P1 जो प्रोसेस है वो ब्लॉक स्टेट में है और P2 प्रोसेस है वो किस में है? रनिंग स्टेट में. आपका CPU भी बिजी है एज वेल एज आपकी P1 है वो भी अपना इनपुट आउटपुट काम है उसको कंप्लीट कर रही है, ठीक है. अब P2 कंप्लीट हो जाती है, P2 को ओनली एंड ओनली क्या चाहिए? CPU टाइम चाहिए, ओनली एंड ओनली CPU टाइम चाहिए. अब P2 कंप्लीट होने के बाद कहाँ एग्जिट कर जाएगी? P2 कंप्लीट होने के बाद एग्जिट कर जाएगी. अब P2 ने एग्जीक्यूट किया लेकिन आपकी फॉर एग्जांपल P1 का इनपुट आउटपुट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. P1 का इनपुट आउटपुट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो नेक्स्ट क्या होगा? CPU अभी क्या है? आइडल हो गया P2 के एग्जिट करने के बाद. तो नेक्स्ट आपकी P3 जो प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P3 को हम रखेंगे रनिंग स्टेट में. P3 को CPU अलोकेट कर देंगे कि हमारा CPU बिजी रहे. अब नेक्स्ट चेक करेंगे तो P3 फिर से रनिंग स्टेट में है और P1 आपकी अभी भी इनपुट आउटपुट में है और P3 के रनिंग में डालने के बाद आपकी P1 जो प्रोसेस है उसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाता है, उसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाता है और P1 फिर से किस में आएगी? रेडी स्टेट में आएगी. रेडी स्टेट में क्यों आएगी? बिकॉज P3 ऑलरेडी इन द रनिंग स्टेट. आपका CPU अभी फ्री नहीं है तो हम P1 को ट्रांसफर करेंगे रेडी स्टेट में कि हमारे पास एक और प्रोसेस है वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए अपने इनपुट आउटपुट को कंप्लीट करने के बाद. नेक्स्ट अभी आपकी P3 है उसका इनपुट आउट CPU कंप्लीट हो जाता है, CPU एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम आपकी प्रोसेस P3 को ट्रांसफर कर देंगे ब्लॉक स्टेट में. P3 को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ब्लॉक स्टेट में और P1 को ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपकी रेडी स्टेट में, सॉरी रन स्टेट में. P1 को ट्रांसफर कर देंगे रनिंग स्टेट में. अभी P1 रन है आफ्टर कंप्लीट. सबसे पहले CPU कंप्लीट किया, इनपुट आउटपुट कंप्लीट किया, P2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, P3 का CPU टाइम कंप्लीट हो चुका है. अभी P3 कहाँ है? इनपुट आउटपुट में. और अभी P1 है, अगर उसको CPU टाइम चाहिए तो वो रनिंग स्टेट में जाएगी, अगर उसको CPU टाइम नहीं चाहिए तो डायरेक्टली आपकी P1 कहाँ चली जाएगी? एग्जिट स्टेट में चली जाएगी. और फिर जब आपकी P3 का इनपुट आउटपुट कंप्लीट होगा तो P3 कहाँ जाएगी? फिर से इनपुट आउटपुट कंप्लीट होने के बाद P3 आएगी रेडी स्टेट में. और यदि इसको P3 के बाद फिर से CPU की जरूरत है एग्जीक्यूट करने के लिए तो इसको CPU अलोकेट कर दिया जाएगा, CPU अलोकेट कर दिया जाएगा बिकॉज CPU इज फ्री एंड आफ्टर दैट P3 विल कंप्लीट एंड एग्जिट. P3 विल बी कंप्लीट एंड एग्जिट. तो ऐसे काम होता है आपके यूनी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में. यूनी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में अगर आप चेक कर रहे थे इट इज क्या था ये? क्या था ये? मल्टी प्रोग्रामिंग था एंड नॉन प्रिम्प्टिव था. नॉन प्रिम्प्टिव मीन्स कि अगर किसी प्रोसेस को CPU टाइम
है उस सीपीयू के टाइम के बाद अगर इनपुट आउटपुट की जरूरत नहीं थी तो वो कहां जाएगी? अगर आपकी प्रोसेस सीपीयू है, आपकी जो प्रोसेस है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि पी थ्री जब यहां पे रन कर रही थी तो उस टाइम पी वन का इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया था। पी वन के इनपुट आउटपुट कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस कहां गई? रेडी स्टेट में। कहां नहीं गई? रनिंग स्टेट में नहीं गई, क्योंकि पी थ्री ऑलरेडी आपके रनिंग स्टेट में थी। दैट इज अ नॉन प्रिम्प्टिव इन्वायरमेंट, दैट इज नॉन प्रिम्प्टिव इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिम्प्टिव इन्वायरमेंट, प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। डिसएडवांटेज ये है नॉन प्रिम्प्टिव का, देवश्री अगर आप देख सकते हो तो R1 जो है आपका उसको रेडी स्टेट में आना पड़ा। मींस हमने P1 के कंप्लीट होने के बाद उसको डायरेक्टली रन स्टेट में नहीं दिया, जबकि वो रेडी थी रन करने के लिए, इनपुट आउटपुट के बाद कंप्लीट करने के लिए रेडी थी। दैट इज नॉन प्रिम्प्टिव डिसएडवांटेज। मींस अगर कोई प्रोसेस है उसको इंपॉर्टेंस हम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम उसको इंपॉर्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस है तो उसको भी वेट करना पड़ रहा है जब तक ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, उसका सीपीयू है वो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। दैट इज द डिसएडवांटेज, मेन डिसएडवांटेज इफ यू सी। शायद आपने ध्यान से नहीं देखा अमित कुमार, हमने यहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग की बात की है, ठीक है, और आपने बात की स्लिप की और कर्नल सिग्नल्स की। तो स्लिप का मीनिंग क्या होता है पहले वो जानिए आप, और फिर वेट स्टेट क्या होती है उन दोनों में डिफरेंशिएट करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ओके, गौरव टाइप ईयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आर 5 ईयर। यस, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आर 5 ईयर गौरव, बिकॉज मैक्सिमम आपकी 5 स्टेट से आपकी प्रोसेस है वो गुजर सकती है। चलिए बात करते हैं प्रिम्प्टिव के बारे में, प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग के बारे में। प्रिम्प्टिव के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारा प्रिम्प्टिव हम क्या बात करेंगे यहाँ पे कि टाइम शेयरिंग होगा, टाइम शेयरिंग होगा, अदरवाइज क्या होगा, प्रायोरिटी होगी। सेम एग्जांपल हम लेते हैं P1, P2 एंड P3। हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं P1, P2 एंड P3। P1, P2 एंड P3 में यहाँ पे हम या तो इनको टाइम क्वांटम प्रोवाइड करेंगे कि पर्टिकुलर टाइम के लिए ही एक प्रोसेस है वो सीपीयू को अलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जानते हैं हम प्रायोरिटी रख लेते हैं, आपको इजी होगा प्रायोरिटी से। प्रायोरिटी P1 की है 1, P2 की है 3 एंड P3 की है 2। P3 की क्या है? 2 है। चलिए आपकी सबसे पहले न्यू स्टेट में होंगी प्रोसेसेस, फिर रेडी स्टेट में, यहाँ रेडी स्टेट है, ये आपका रेडी क्यू है। P1, P2, P3 आर रेडी टू एग्जीक्यूट, रेडी टू रन फॉर एंड विद द गिवन प्रायोरिटी। सबसे पहले हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कौन है? सबसे पहले हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कौन है? दैट इज P1। तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस P1 आपकी यहाँ पे आएगी, P1 को अलोकेट किया जाएगा। एंड P1 इज कॉम्बिनेशन ऑफ CPU इनपुट आउटपुट प्लस CPU। P2 इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली CPU एंड P3 इज CPU प्लस इनपुट आउटपुट, CPU प्लस इनपुट आउटपुट प्लस CPU प्लस CPU। चलिए P1 आएगी आपकी रनिंग स्टेट में, P1 आएगी रनिंग स्टेट में, हाई इंपॉर्टेंस है तो P1 अपने CPU टाइम के लिए रन करेगी, P1 अपने CPU टाइम के लिए रन करेगी। उसके बाद P1 को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पे? ब्लॉक स्टेट में। जैसे ही इसका CPU कंप्लीट होगा ये कहाँ पे आएगी? इनपुट आउटपुट वर्किंग के लिए आ गई P1 आपकी ब्लॉक स्टेट में। नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी जॉब इज P3 आपकी नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगी। अब P3 है, इसका भी इनपुट पहले CPU टाइम होगा, CPU के बाद इसको इनपुट आउटपुट टाइम चाहिए, ठीक है। तो आपकी P3 को भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके ब्लॉक स्टेट में। और जैसे ही P3 का, यहाँ पे नोट कीजिएगा मैं एग्जांपल, जैसे ही P3 आपकी इनपुट आउटपुट स्टेट में आती है तो उस टाइम पे आपकी P1 का कंप्लीट हो चुका होता है इनपुट आउटपुट, और P1 भी आपकी रेडी स्टेट में है, P1 भी आपकी रेडी स्टेट में है। और P1 के साथ साथ में अगर आप ध्यान दें तो P2 भी हमारी रेडी है, P1 भी रेडी है एज वेल एज P3 भी रेडी है, सॉरी P2 भी रेडी है। अब P1 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है एंड P2 की लोवेस्ट प्रायोरिटी है, तो
आपकी फिर से हाईएस्ट प्रायोरिटी जो यहां पे आएगी P1 यहां पे आएगी, P1 यहां पे आएगी। ये तो हो गया प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये तो हो गया प्रायोरिटी। फॉर एग्जांपल जैसे ही P3 यहां पे आई तो उस टाइम पे आपकी P2 थी वो रनिंग स्टेट में थी, ठीक है, सीपीयू रनिंग कर रही थी, लेकिन उसका सीपीयू रनिंग है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और उस दौरान P1 है वो आपकी रेडी क्यू में आ गई और उसकी प्रायोरिटी हाई है। तो यहां पे अक्कर होता है आपका प्रिम्पशन, प्रिम्पशन मींस या तो आपका टाइम आउट अक्कर हो जाए या फिर है वो प्रायोरिटी हो, या फिर क्या हो, प्रायोरिटी हो। तो अगर हम चेक करें P2 रनिंग स्टेट में है लेकिन P2 की प्रायोरिटी है वो लो है एज कंपेयर टू P1, तो यहां पे होगा प्रिम्पशन, यहां पे होगा प्रिम्पशन। मींस हाई प्रायोरिटी P1 है वो ट्रांसफर हो जाएगी रनिंग स्टेट में और P2 है उसको प्रिम्प्ट करके वापस रख दिया जाएगा आपके रेडी स्टेट में, और P3 ऑलरेडी कहां पे है, इनपुट आउटपुट में ब्लॉक स्टेट में। अब P1 अपना एक इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर चुकी थी, अब वो CPU कंप्लीट कर रही है और जैसे ही P1 कंप्लीट होगी तो वो आपकी चली जाएगी एग्जिट स्टेट में। ओके, नेक्स्ट, अब P3 इनपुट आउटपुट में है और P2 अकेली रेडी स्टेट में है तो हम ट्रांसफर कर देंगे P2 को रन स्टेट में और P2 को ओनली एंड ओनली CPU टाइम चाहिए तो P2 आपकी CPU टाइम कंप्लीट करने के बाद हो जाएगी एग्जिट। उसके बाद P3 इनपुट आउटपुट पे थी, P3 ने इनपुट आउटपुट कंप्लीट किया, P3 रेडी स्टेट में आई, P3 अकेली यहां पे रेडी स्टेट में है तो इसको CPU एलोकेट कर दिया जाएगा और CPU एलोकेट होने के बाद P3 एग्जिट कर जाएगी और आपका प्रिम्पशन अक्कर होगा, प्रिम्पशन मींस या तो कोई टाइम आउट दिया गया है, टाइम क्वांटम दिया गया है कि पार्टिकुलर टाइम के लिए एक प्रोसेस है वो CPU में रन करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, जैसे ही उसका टाइम वो कंप्लीट हो जाएगा, गिवन टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोसेस को यदि उस टाइम के बाद इनपुट आउटपुट चाहिए तो वो ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी। अगर उसको इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए और रिमेनिंग CPU टाइम ही चाहिए तो प्रोसेस कहां पे आएगी, रेडी स्टेट में आएगी और नेक्स्ट प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया जाएगा रनिंग स्टेट में। ओके, तो ये है आपका प्रिम्पशन। प्रिम्पशन मींस कि प्रोसेस की स्विचिंग की आपने, प्रोसेसेस की क्या की, स्विचिंग की, कि आपने हमेशा किसको स्विच किया, जिसकी या तो प्रायोरिटी हाई थी, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा थी एग्जीक्यूशन के लिए उसको, या फिर टाइम आउट के बेस पे आप कर सकते हो। अब देखिए आपका ये जो स्टेट्स हैं हमारी, रेडी स्टेट, रन स्टेट एंड ब्लॉक स्टेट, ये जो स्टेट्स हैं हमारी, ये स्टेट्स आपकी कहां पे होती हैं, मेन मेमोरी में। ये जो काम होता है, ये सारा काम होता है आपका मेन मेमोरी में। इसके बाद अब यहां पे बात आती है, एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी मेन मेमोरी में इतना स्पेस नहीं है कि हम सभी प्रोसेसेस को एक साथ रेडी स्टेट में, रन स्टेट में और ब्लॉक स्टेट में रख सकें तो क्या करेंगे, उस टाइम पे हम हेल्प लेंगे हमारी सेकेंडरी मेमोरी की। फॉर एग्जांपल ब्लॉक स्टेट में आपकी प्रोसेस कहाँ पे है, ब्लॉक स्टेट में, और ब्लॉक स्टेट में उसको जो इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ब्लॉक स्टेट में जो प्रोसेसेस हैं उनको मेमोरी चाहिए, एनएफ स्पेस चाहिए रिसाइड करने के लिए मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी में अभी स्पेस अवेलेबल नहीं है और वो इनपुट आउटपुट प्रोसेस है वो रन करे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी प्रोसेस को ट्रांसफर कर दिया जाता है सेकेंडरी मेमोरी में विद अ न्यू नेम दैट इज सस्पेंडेड ब्लॉक। अभी आपकी प्रोसेस मेन मेमोरी में ना होके कहां पे है, सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर हो चुकी है। इसको क्या किया गया, सस्पेंड किया गया कि कुछ टाइम के लिए आप सेकेंडरी मेमोरी में चले जाइए कि हमारी मेमोरी में कुछ स्पेस हो जाए, और जैसे ही मेन मेमोरी में स्पेस होगा तो इसको वापस बुला लिया जाएगा
इसको मेन मेमोरी में उसकी सेम ब्लॉक स्टेट में, सेम ब्लॉक स्टेट में। अब यहां पे क्या होगा, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि रनिंग जो स्टेट है उसमें तो एक ही प्रोसेस एक टाइम पे होगी और उस प्रोसेस के साथ आप कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको जितना सीपीयू टाइम चाहिए या जितना सीपीयू स्पेस चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए वो तो हमें लोकेट करना पड़ेगा। लेकिन हम जो ये चेंज है ये कहां कहां पे कर सकते हैं, मेन मेमोरी में आपकी स्टेट कौन कौन सी है, ब्लॉक और रेडी है, तो या तो हम ब्लॉक के साथ चेंज कर सकते हैं या फिर हम रेडी स्टेट के साथ ये चेंज कर सकते हैं, या फिर हम ये चेंज है रेडी स्टेट के साथ कर सकते हैं। सेम एज टीज रेडी स्टेट में आपकी जितनी प्रोसेसेस हैं वो सभी रेडी हैं रन करने के लिए, लेकिन हमारी मेन मेमोरी में एनएफ स्पेस नहीं है तो हम कुछ प्रोसेसेस को सस्पेंड कर देते हैं रेडी स्टेट से और उनको भेज देते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी में, उनको ट्रांसफर कर देते हैं, स्विच कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं, कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी में। और जैसे ही इनका, जैसे ही आपकी मेमोरी में स्पेस हो जाता है तो उनको वापस से मेन मेमोरी में रेडी क्यू में वापस से रिज्यूम कर दिया जाता है, वापस से बुला लिया जाता है। ठीक है, अब ब्लॉक स्टेट पे भी कंप्लीट हो रही है और रेडी स्टेट में भी कंप्लीट हो रही है। अब इन दोनों स्टेट्स में भी एक रिलेशन है, इन दोनों स्टेट में भी एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि हमने बात की ब्लॉक स्टेट में है प्रोसेस और सेकेंड मेन मेमोरी में इतना स्पेस नहीं है, और उस दौरान आपकी जो प्रोसेस इनपुट आउटपुट कर रही थी उसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया, उसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया। इनपुट आउटपुट कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस कहां जाएगी, इनपुट आउटपुट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया वो कहां जाएगी, रेडी में। और रेडी में जाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी स्पेस नहीं है मेन मेमोरी में, तो हम उसको डायरेक्टली रेडी में ट्रांसफर करने की बजाय हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं सस्पेंडेड रेडी में, सस्पेंडेड रेडी में। इवेंट अकर्स कंप्लीट, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं सस्पेंडेड रेडी में, और जब हमारे पास मेमोरी में स्पेस होगा तो वो सस्पेंडेड रेडी से कहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, हमारी रेडी स्टेट में। तो हमारे पास टोटल कितनी स्टेट्स होती हैं, सेवन स्टेट्स, टोटल सेवन स्टेट। सबसे पहले हमने बात की थी फाइव स्टेट्स के बारे में, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में पांच स्टेट के बारे में। तो आपकी कोई भी जो प्रोसेस है यहां पे, कोई भी प्रोसेस है वो मिनिमम कितने नंबर ऑफ स्टेट्स से गुजरेगी, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स बात की जाए, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू फोर, इक्वल टू फोर। फोर कैसे, कि प्रोसेस है पहले तो न्यू स्टेट में आएगी, न्यू स्टेट से उसे रेडी क्यू में भेजा जाएगा, रेडी क्यू से उसको डिस्पेचर द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा रनिंग के लिए, शेड्यूलिंग की जाएगी, और यदि उसको ओनली सीपीयू चाहिए तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एग्जिट स्टेट में आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीट एग्जीक्यूशन। और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो सकती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, हाँ जी बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो सकते हैं, यस जैसे सेवन, ओके सेवन, एनीवन एल्स, ओके देवश्री ऑल्सो सेज सेवन, ओके एनीवन एल्स, कोई और बताएगा प्लीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स की एक प्रोसेस आपकी कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स से गुजरेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, हाँ जी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आपकी सेवन हो सकती हैं, ठीक है सेवन हो सकती हैं, लेकिन आप हमेशा उनको सेवन नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो केस है हमारा सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड ब्लॉक वाला, ये कभी कभी होता है, ये कभी कभी होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपकी सेवन हो सकती हैं, बट नॉट ऑलवेज, बट नॉट ऑलवेज, ओके। तो ये था आपका शेड्यूलिंग से रिलेटेड, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग से रिलेटेड वर्क। अब यहां पे हमारे कुछ ऑपरेशंस हैं रिलेटेड टू प्रोसेस, ऑपरेशंस हैं रिलेटेड टू प्रोसेस। ऑपरेशंस क्या क्या हैं, सबसे पहले ऑपरेशन है हमारा क्रिएशन, क्रिएशन मींस हमने प्रोसेस को क्रिएट किया और न्यू स्टेट में रखा, ठीक है। अब ये काम कौन कर रहा है, प्रोसेस को क्रिएट कौन कर रहा है, कौन उसको न्यू स्टेट से रेडी क्यू स्टेट में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास होते हैं शेड्यूलर्स, फॉर दैट वी हैव शेड्यूलर्स, शेड्यूलिंग, और वी हैव थ्री शेड्यूलर्स,
First one is long term scheduler. Long term schedulers. देखिए long term scheduler हमारा क्या करता है? Long term scheduler का main काम ये होता है कि ये आपकी job को create करता है सबसे पहले और फिर उसको move करता है आपकी first main memory से secondary memory से main memory में. हमने बात की यहाँ पे तो हमारी तीन state होती है main memory में. Which one? Ready, run and block. And other four states are in secondary memory. New, exit, suspend, block and suspend, ready. ये चार state किस में होती हैं? Secondary memory में. और you can say these four are inactive states. These four are inactive states. And these three are active states. These three are active states. तो सबसे पहले अगर आप चेक करें, तो state new है. New state पे create करके, यहाँ पे कौन करता है? ये work. ये काम करता है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. ये काम करता है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड ब्रिंगिंग ए प्रोसेस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी. प्रोसेस ब्रिंगिंग ए प्रोसेस into the system. Okay. Second thing. अब यहाँ पे main question एक आता है, that is कि process तो हम बहुत सारी create कर सकते हैं, लेकिन क्या हम सभी को new से ready में transfer करेंगे? Process तो हमारे पास क्या है? बहुत सारी हैं, ठीक है? आपकी बहुत सारी process create की और सभी process कहाँ? Secondary memory में. क्या हम सभी को secondary to main memory में transfer कर देंगे क्या? क्या हम सभी को न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में ट्रांसफर करेंगे? जी नहीं. इसके लिए हमारे पास होती है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. ओके. डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मींस कि आपकी कितनी स्टेट्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगी मेन मेमोरी में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स आर इन द मेन मेमोरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? और ये सब किस लिए कंट्रोल किया जाता है? कि मेन मेमोरी है वो अवेलेबल रहे एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि हमें एक्टिव जो स्टेट्स हैं उनमें हमारी प्रोसेसेस को रन करना है और हमारे सीपीयू को हमेशा बिजी रखना है. तभी हमें हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन मिल पाएगा, तभी हमें हाई मैक्सिमम थ्रोपुट मिलेगी और तभी हमें मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम मिल पाएगा. ओके. इसलिए कंट्रोल किया जाता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कि हमारी कोई भी प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में रहे, जितना ज़्यादा हो सके उसको सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र ना करना पड़े यदि वो रेडी स्टेट में है या फिर वो ब्लॉक स्टेट में है, कि हमारी थ्रोपुट है वो मैक्सिमम आए. तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म शेड्यूल. अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ टर्म, दैट इज शेड्यूलिंग. इस शेड्यूलिंग का मीनिंग क्या है? जैसे हमने बात की डिस्पैचर के बारे में. डिस्पैचर क्या करता है? रेडी स्टेट से प्रोसेस को सिलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स और उसको रनिंग स्टेट में सीपीयू अलोकेट कर देता है. तो इसके लिए हमारे पास जो यूज होता है, दैट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. सेकेंड इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. हमने बात की सेकेंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. हाँ जी, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मीन्स कि आपकी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एक प्रोसेस को सिलेक्ट करने के लिए और उसको सीपीयू अलोकेट करने के लिए. सिलेक्टिंग वन ऑफ द प्रोसेस इन द रेडी स्टेट फॉर शेड्यूलिंग ऑन टू द रनिंग स्टेट. सेलेक्ट वन ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट एंड शेड्यूल इट ऑन टू द रनिंग स्टेट एंड शेड्यूल
it onto the running state. आपकी एक प्रोसेस है रेडी क्यू से, उसको सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, और उसको सीपीयू एलोकेट कर दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू. और इसमें काम में कौन हेल्प करता है उसकी, इस काम में उसकी हेल्प कौन करता है, उसकी हेल्प करता है डिस्पैचर, उसकी हेल्प करता है डिस्पैचर. डिस्पैचर क्या होता है, डिस्पैचर आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म करता है. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में आपकी हेल्प करता है डिस्पैचर. ओके, डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, मीन्स सेविंग द स्टेटस ऑफ द वन प्रोसेस एंड लोडिंग द स्टेटस ऑफ द अनदर प्रोसेस. नेक्स्ट है हमारे पास, हमने बात की सीपीयू शेड्यूलिंग में, शेड्यूलर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की. चलिए अब इसके बाद और क्या क्राइटेरिया हो सकता है जहां पे हमें शेड्यूलिंग की जरूरत पड़े, दैट इज सस्पेंडेड एंड रेडी एंड सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट. अगर आप यहां पे चेक करें तो हमारे यहां पे एक बहुत ही मेन काम हो रहा है, दैट इज स्वैपिंग, दैट इज स्वैपिंग. यहां पे क्या हो रही है, स्वैपिंग. अगर आप चेक करें आपकी सेकेंडरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी के बीच में स्वैपिंग्स हो रही हैं, स्वैपिंग हो रही है. और इस स्वैपिंग के लिए हम यूज करते हैं हमारा थर्ड शेड्यूलर, दैट इज मीडियम टर्म शेड्यूलर. थर्ड शेड्यूलर इज मीडियम टर्म शेड्यूलर, थर्ड शेड्यूलर इज मीडियम टर्म शेड्यूलर. मीडियम टर्म शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वैपिंग, स्वैपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी एंड मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी. स्वैपिंग ए मेमोरी फ्रॉम मेन सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी एंड मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंड एंड रिज्यूमिंग ऑफ ए प्रोसेस. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग ऑफ ए प्रोसेस. ओके, और ये आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर है, वो जनरली अगर हम चेक करें तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज करता है. ठीक है, तो ये थे हमारे शेड्यूलर्स. MTS, MTS वर्क हियर, मीडियम टर्म शेड्यूलर आपका स्वैपिंग करता है. ओके, ये तो हो गए हमारे शेड्यूलर्स. चलिए हमारे कंप्लीटली प्रिमिटिव एनवायरनमेंट आपके सामने है. अब हमने बात की, हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहां पे कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, चलिए प्लीज बताइए. आप लोगों ने पूरा डायग्राम देखा, आंसर दीजिए. एक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ जी, कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने कौन कौन सा ऑपरेशन है परफॉर्म किया या कौन सा एक्शन है उसको परफॉर्म किया, कोई बताएगा कि आपने, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने यहां पे क्या काम किया. ठीक है, न्यू स्टेट है उसको, न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट है उसका हमको किसने कंप्लीट किया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने उसको न्यू टू रेडी क्यू में ट्रांसफर किया, सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी में ट्रांसफर किया. सेकेंड थिंग, रेडी स्टेट में आपके पास बहुत सारी प्रोसेसेस थी, उसमें से किस प्रोसेस को नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है, किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना है उसके लिए कौन करता है, दैट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. हियर इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में यहां पे आप चेक कर सकते हो डिस्पैचर, डिस्पैचर उसकी हेल्प करता है सेलेक्टिंग में एंड प्रोवाइडिंग द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन. और प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, उसके बाद यदि कंप्लीट हो जाती है तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है आपकी एग्जिट स्टेट में, और यदि उसको इनपुट आउटपुट चाहिए तो वो चली जाती है ब्लॉक स्टेट में, और इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाता है तो वो नेक्स्ट अगेन कहां पे आ जाती है, रेडी स्टेट में. और यदि आपकी मेन मेमोरी है उसमें एनफ स्पेस नहीं है तो हम करते हैं आपकी सस्पेंडेड स्टेट्स, दैट इज स्वैपिंग करते हैं हम लोग. हाँ जी, तो यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने कौन कौन सा एक्शन है परफॉर्म किया वो बताइए प्लीज, ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया या ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहां पे अपना एक्शन परफॉर्म किया. रेडी टू रन, रेडी टू रन इज डन बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. अमित कुमार, रेडी टू रन यहां पे आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है. फ्रॉम रेडी टू रन इट इज डन बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. बट आपका आंसर ठीक है, अगर आप चेक करें तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की हेल्प करता है डिस्पैचर, डिस्पैचर, और डिस्पैचिंग जो होती है वो करता है आपका ओएस.
डिस्पैचिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट इवेंट है, इसके लिए ये काम भी करता है आपका ओएस। और कंप्लीट होने के बाद फिर से रेडी स्टेट में जाना, दिस इज ऑल्सो डन बाय ओएस। एंड हियर प्रिम्प्टिव एंड टाइम, दिस इज ऑल्सो डन बाय ओएस। ये सब काम करता है आपका ओएस। वन इज डिस्पैचिंग, डिस्पैचिंग डिस्पैचिंग मीन्स ए प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू हैज बीन चूजन टू द नेक्स्ट रनिंग प्रोसेस, ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और उसकी हेल्प करता है डिस्पैचर। नेक्स्ट इज रेडी रन टू ब्लॉक स्टेट में ट्रांसफर करना किसी प्रोसेस को, यदि उसको इनपुट आउटपुट की जरूरत है, दैट इज ऑल्सो डन बाय ओएस। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इनपुट आउटपुट अगेन ट्रांसफर फ्रॉम ब्लॉक टू रेडी स्टेट, दैट इज ऑल्सो डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड दिस प्रिम्प्शन पार्ट इज ऑल्सो डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस प्रिम्प्शन पार्ट इज ऑल्सो डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी, ये था आपका सेवन स्टेट डायग्राम, और यू कैन से प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग डायग्राम, प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग डायग्राम, ओके, प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग डायग्राम। नेक्स्ट है, यहां पे एक क्वेश्चन है कि हमारे पास नॉन प्रिम्प्टिव हम करेंगे और प्रिम्प्टिव अगर डिवाइड करें तो प्रोसेसेस क्या क्या होंगी, प्रोसेसेस क्या होंगी। हाँ जी, when you will say non-primitive scheduling and when will you say primitive scheduling, difference क्या है? जब हम non-primitive check कर रहे थे, non-primitive हम check कर रहे थे, तो हमने directly क्या था हमारे पास, ready to run state थी हमारे पास, direct क्या थी, ready to run state। हमारे पास यहाँ पे again run to ready नहीं था ओनली, और उसके बाद डायरेक्टली हम क्या थे, या तो एग्जिट कर जाते थे या फिर ब्लॉक स्टेट में चले जाते थे। ये था नॉन प्रिम्प्शन, ठीक है। रनिंग स्टेट से या तो आप एग्जिट कर जाइए या फिर आप वेटिंग स्टेट में चले जाइए या ब्लॉक स्टेट में चले जाइए, ये था आपका नॉन प्रिम्प्शन। और वहीं हमारे पास नॉन प्रिम्प्शन में हमारे पास दो ऑप्शन थे कि या तो रनिंग स्टेट से आप एग्जिट करिए या फिर रनिंग स्टेट से आप कहां पे जाइए, ब्लॉक स्टेट में जाइए। लेकिन वहीं अगर हम चेक करें तो प्रिम्प्टिव में हमारे पास तीन ऑप्शन है। वन इज कंप्लीट हो गया तो एग्जिट कीजिए, अगर इनपुट आउटपुट चाहिए तो ब्लॉक स्टेट में आइए, और अगर आपको इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए और रिमेनिंग टाइम आपका एग्जीक्यूशन का, तो आप वापिस कहां पर आ जाइए, रेडी स्टेट में। दैट इज द थर्ड ऑप्शन प्रोवाइडेड इन योर प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। अगर आप चेक करें तो प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग में आपके पास क्या क्या है, रेडी टू रन, रन टू रेडी, रन टू एग्जिट एंड रन टू वेट एंड अगेन वेट टू रेडी और ब्लॉक टू रेडी, दिस इज प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। हाँ जी, अभी सबको समझ आ गया डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग।